हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दीपक समॉल और मेरे पास एक आईटेल का मॉडल है, आईटेल का A60, जिसमें लगा है आपका FR ब्लॉक। कैसे इस लॉक को रिमूव करेंगे आज वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको पीछे दिखा दे रहा हूँ, देखिए मॉडल क्या है आपका, A662L, A662L। तो अनलॉक टूल को ओपन कर लिया, हमें चलते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम में, ब्रांड है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आईटेल, सॉरी यहाँ पर कर लीजिए SPD जनरल में, ठीक है ना। SPD जनरल रहेगा आपका। और यहाँ पर मॉडल में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 9832E, ओके 9832E हो गया। यहाँ पर करना है आपको इरेज एफआर में क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर फ़ोन को करना है आपको कनेक्ट, तो पावर ऑफ कर लेते हैं फ़ोन को पहले, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस को क्लिक करना है, हम करते हैं अभी। वॉल्यूम प्लस माइनस को क्लिक किया और केबल को इंसर्ट कर लिया, और बार ट्राई करते हैं, फेल हुआ। फिर से किया Erase FRP, ओके। फिर से वॉल्यूम प्लस माइनस को प्रेस करके केबल को इंसर्ट किया, दोस्तों देखिए मैं अभी वॉल्यूम प्लस माइनस को ट्राई प्रेस करके केबल को इंसर्ट कर लिया। देखिए मेरा अभी यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, देखिए FR लॉक पर ओके हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने पहले एरर दिया ना, किस लिए एरर दिया पता है आपको, क्योंकि मैं वॉल्यूम प्लस माइनस को बीच में छोड़ दिया, तो मुझे ये 50% में आकर यहाँ पर रुक गया और आगे नहीं गया। तो आपको अगर ऐसे प्रॉब्लम आता है तो आपको वॉल्यूम प्लस माइनस को छोड़ना नहीं है, पूरा लास्ट तक आपको यहाँ पर ओके तक आपको पकड़ कर रखना है। और एक चीज़ है, आपको एक बार बैटरी को निकाल लीजिए, सेट को ओपन करके फिर से बैटरी को आपको लगाना पड़ेगा, अगर ऐसे बीच में आकर रुक जाता है तो, ठीक है। उसे करने के बाद आपको कोई भी एरर नहीं देगा, आपको आराम से ये FR ब्लॉक ओके हो जाएगा। देखिए अभी ओके हो चुका है, तो हम इसको अभी सेटअप कर लेंगे। तो केबल को निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको नेक्स्ट करके अभी इसको सेटअप मारते हैं, अभी नेक्स्ट बैक कर लेते हैं, इंडिया नहीं है ना, मलेशिया हो गया, स्किप। देखिए पूरा जो यहाँ पर सिंबल था ना, वो अभी पूरा चला हट गया, हट चुका है यहाँ से, तो ये आराम से अभी हो जाएगा। मोर एक्सेप्ट, स्किप, ओके। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।